तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। वीडियो बहुत शानदार होने वाली है और जायकर फर्स्ट क्लास होने वाली है। यहाँ पे मेरा नाम है पवन कुमार, आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल पवन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम जिस वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं वो फ्रेंड्स यूएसबी प्रॉब्लम को लेकर। अगर आपके पास वीवो का फोन है या आईको का फोन है या आईको किसी भी मॉडल का फोन है या वीवो का, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लम होती है, यूएसबी कनेक्ट नहीं होती, यानी कि ओटीजी केबल कनेक्ट नहीं होती है। और हम ओटीजी केबल से पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, कार्ड रीडर कनेक्ट करना चाहते हैं, वो शो नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक कि इवन मेरे पास लोगों ने कमेंट करके बोला कि हम सर कस्टमर केयर तक को भी कॉल कर चुके हैं, वहाँ पे वो कहते हैं ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, डाटा रीसेट कर लीजिए, फ़ोन रीसेट कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, आ जाएगा। पर फ्रेंड्स वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता। सिंपली आज मैं एक आपको ऐसी वीडियो ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप इजीली, ट्रिक क्या है, सेटिंग है, उस सेटिंग को ही सिंपल ऑन करना और आपका ओटीजी कनेक्शन वो आपका चालू हो जाएगा यहाँ पे, और कोई भी ओटीजी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को चलते हैं, स्टार्ट करते हुए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग में। यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे पास वीवो आईको का फ़ोन है, ठीक है। आपके पास भी वीवो आईको का फ़ोन हो तो काफ़ी अच्छी बात है, और अदर फोन भी है तो अभी आप ये वीडियो देखिए। वीडियो में आप जिस टाइप से ये जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ सेटिंग से भी आपका काम हो जाए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने फ़ोन की सेटिंग में। तो यहाँ पे हम फोन की सेटिंग में आ गए, और सबसे पहले आपको करना क्या है, माई डिवाइस पे जाना है, या आपके पास यहाँ पे डिवाइस इन्फो के नाम से भी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर वर्जन मिलेगा या बेस्ट बैंड वर्जन मिलेगा, वहाँ पे आपको 5-6 बार टिक करना है। जिस टाइप से अगर आप 5-6 बार टिक करेंगे सॉफ्टवेयर वर्जन या इंटरनल ऐसा कुछ वर्जन होगा, तो इस टाइप से यहाँ पे दिखाया जाएगा आप यू आर डेवलपर ऑन। फ्रेंड्स अगर आपने ऑलरेडी ऑन कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर आपने नहीं किया तो इस टाइप से 5-6 बार 7 बार ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। ऑन करने बाद आपको वापस बैक जाना है, ठीक है, बैक जाना है, ठीक। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका डेवलपर ऑप्शन है, अगर नहीं मिलता तो आपको सर सेटिंग में जाना है, यहाँ पे सिंपली लिखना है डेवलपर, ठीक। जैसे आप यहाँ पे डेवलपर लिखे होंगे, डेवलपर, तो यहाँ पे आपको फोन में देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है इस टाइप से सर्च सेटिंग में, तो आपको यहाँ पे सबसे नीचे सिस्टम मैनेजमेंट में जाना है, और नीचे आ जाएगा डेवलपर ऑप्शन, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन का एक पॉइंट सा बना हुआ आ रहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको सिंपली ऑन कर लीजिएगा। जैसे ऑन करेंगे यहाँ पे ओके अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको अलाउ कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे यूएसबी डीबगिंग का ऑप्शन है, देख सकते हो स्क्रॉल डाउन करते के साथ ही, तो यहाँ पे भी इसको भी ऑन कर लीजिएगा। तो फिर फीस दो सेटिंग ऑन हो गई है, और ये लोग ऑलरेडी कर देते हैं तो भी उनका ओटीजी कनेक्ट नहीं होता। तो अब यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है कहाँ से कि ओटीजी कनेक्ट नहीं होता, आप यहाँ पे देखते रहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है अदर नेटवर्क एंड कनेक्शन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड लाइन है, आपके फोन में भी अगर ऐसी सेटिंग हो तो मिल जाएगी, नहीं हो तो आप देख सकते हो सबसे नीचे आपको यहाँ पे दिखाया गया ओटीजी, फिर वैन एनेबल ओटीजी फोन कनेक्टेड, ये यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ऑटोमेटिक आपने ओटीजी कनेक्ट नहीं किया तो 5 मिनट बाद ये ऑफ ऑटोमेटिक हो जाता है। तो यहाँ पे ओटीजी ऑप्शन है, यहाँ लोग इस चीज को बटन को एक्टिवेट नहीं करते हैं, यानी कि ऑन नहीं करते, तो आपको ये ऑन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे ऑन करेंगे तो आप देख सकते हो प्रोसेस होने में टाइम लगा और ब्लू कलर का बटन ऑन हो गया। तो यहाँ पे जैसे ऑन हो जाता है, ठीक है, तो फ्रेंड्स ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है करंट इन डेवलपर मोड, यहाँ पे आपको टैप टू क्लोज नहीं करना है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो टैप टू क्लोज का ऑप्शन लिखा हुआ, इसको आपको टैप टू क्लोज नहीं करना, साइड में ही कर लेना। जैसे आप यहाँ पे साइड में करेंगे और आप ये भी यहाँ पे देखेंगे हमारा ओटीजी कनेक्शन ऑन है, तो फिर इस टाइप से आपको कर लेना। अब यहाँ पे कोई सी भी ओटीजी वगैरह लगाएंगे तो आपका ये कन्फर्म काम करेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो जो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और इसी प्रकार की टेक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।